तकरीबन 5 बजे सवेरे का 5 बजे हमको एक खबर मिला कि यहाँ जो पुराना स्कूल डरा है ओक आईटीटी स्टेट के अंडर में वो हाँ एक मर्डर हो गया है। तो हम लोग तुरंत पीओ पे पहुँचा और हम लोगों ने डिप्यूटी शिफ्ट किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया इंसिडेंट को। और इस दौरान हमें दो नाम मिला और एक है अविनाश छेत्री और दो है गोविंद लाखोटिया। तो इन दोनों को हम लोगों ने पकड़ा, आज उनको कोर्ट में भेजा गया है। सर इन दोनों के लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, उसी को लेकर अनबन हुआ। कुछ दिन पहले वो झगड़ा भी हुआ उसके, गोविंद लाखोटिया है उसका एक फर्नीचर का शॉप है, वहाँ लेन देन को लेकर एक झमेला हुआ कुछ दिन पहले और उसी के दौरान ये मर्डर हुआ। सुनिए, मैंने इंटरोगेट नहीं किया था तो मेरा निकलने में थोड़ा देरी हो गया था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं एक बार इंटरोगेट कर लूँ उसके बाद करूँगा। इसलिए मैंने कहा था कि 10 बजे के बजाय इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो। दार्जिलिंग पुलिस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लास्ट 2-3 सालों में कि हम लोग किसी भी केस को विद इन 48 आवर्स को मैं सॉल्व कर देते हैं। यही हमारा जो एसपी है, एसपी का गाइडेंस पे हम करते हैं। ये केस विद इन 12 आवर्स हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमको इसके लिए शाबाशी मिलना चाहिए था कि विद इन 12 आवर्स हमने जान भी लिया कि कौन किया और उसको हमने पकड़ भी लिया। तो ये जो आज बाहर लोग आ गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया और हम लोगों को कुछ नहीं बोला, ये बहुत ही दुखदायी है। ठीक है, मुझे लगता है कि पुलिस को इसके लिए शाबाशी मिलना चाहिए कि 12 घंटे में केस डिटेक्ट हो गया, मुजरिम पकड़ा गया, उसको कोर्ट भेज दिया गया। तो ये आप लोग समझाइए, आप लोग बोलिए कि क्यों किया आपने, प्रदर्शन क्यों किया। अगर प्रदर्शन करना ही मतलब जरूरी था तो प्रदर्शन कब करेंगे, अगर पुलिस को भी एक्शन नहीं लेता है ना। तो पुलिस ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, पुलिस ने केस डिटेक्ट किया कि नहीं किया, मुजरिम को अरेस्ट किया कि नहीं किया, तो उसके बाद प्रदर्शन क्यों।